रेहूत राम डांगा तो डोका बढ़ ने मजबूत है। डोका बड़ा मतलब में मजबूत है, मूंग है, कोई हैंड में मजबूत है, नाचन में मजबूत है रेहूत राम डांगा। और क्या मजबूत, इस बार 2000 के पीछे एक और जीरो लग जाएगा, 20,000 पीछे हो जाएंगे। अच्छा हाँ, कैसे 20 तो ज्योति गहल ही करे की बात के जहर घूट भाई, जहर घूट के मत पाई दियो फिर से। खींसर चुनावों के अंदर आ गया है, क्या मानते हैं खींसर के अंदर क्या कुछ होने वाला है? खींसर के अंदर कोई कुछ नहीं होने वाला है। आरएलपी डंके की चोट से जीत रही है, बहुत बढ़िया वोटर से जीत रही है। 1,00,000 प्लस वोट लेगी आरएलपी, 20,000 प्लस से कनिका बेनीवाल जीत रही है। लेकिन काफी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि रेवंत राम डांगा इस बार मजबूत। कुछ नहीं है रेवंत जी, रेवंत जी पिछली बार 2000 से आने का चांस हो गया क्योंकि हनुमान जी क्षेत्र में नहीं थे, खींसर की जनता खुद चुनाव लड़ रही थी और बिना प्रचार के मान लो हनुमान जी 2000 वोटों से जीत गए और डांगा जी नजदीक आ गए। अब डांगा जी नजदीक है ही नहीं, 20,000 प्लस हनुमान जी जीत रहे, कनिका बेनीवाल जीत रहे, अच्छे वोटों से बहुत अच्छा विकास करवाया। काफी लोग तो ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार डांगा साहब 2000 वोटों से पीछे रह गए थे, तो इस बार कहीं ना कहीं वो जो मार्जिन है वो रिकवर, इस बार 2000 के पीछे एक और जीरो लग जाएगा, 20,000 पीछे हो जाएंगे। अच्छा हाँ, कैसे 20,000 पीछे हो गए डांगा जी? क्यों, हनुमान जी खुद यहीं बैठे हैं अभी इस बार, केवल और केवल खींसर में हनुमान जी बैठे हैं और हनुमान जी की जनता हनुमान जी के साथ है, 20,000 प्लस है, कनिका जीत रही है। काफी लोगों ने ये भी कहा जब हम लोग यहाँ पे आए तो काफी लोगों ने हाँ ये भी कहा कि साहब पिछली बार जिस तरह से दुर्ग सिंह चौहान अलग खड़े हो गए थे तो उन्होंने जो वोट लिया था वो हनुमान बेनीवाल की जीत में एक अच्छा महत्वपूर्ण योगदान था, आप क्या मानते हैं आरएलपी कार्यकर्ता होने के नाते? दुर्ग सिंह जी एक गए हैं और सैकड़ों कार्यकर्ता आरएलपी के साथ आगे पर डे, आप देखो पर डे सोशल मीडिया के माध्यम से देखो सैकड़ों कार्यकर्ता, 36 कौम के लोग हनुमान जी को समर्थन दे रहे हैं, किसी भी कास्ट में देख लो आप 36 कौम के लोग हनुमान जी को समर्थन दे रहे हैं, बहुत बढ़िया माहौल है, आरएलपी अच्छे वोटों से जीत रही है। कामकाज को लेकर के आप यहाँ के यूथ है, आप यहाँ के युवा है, कामकाज को लेकर के इस क्षेत्र की देखें क्योंकि 2008 के बाद से हनुमान बेनीवाल का इस सीट पे कहीं ना कहीं दबदबा है, वो अभी तक चलता जा रहा है, कामकाज कैसा हुआ क्षेत्र के अंदर? क्यों सर, मैंने आज के दिन में ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई काम बाकी नहीं है, जो काम बाकी है सारे काम कंप्लीट है। मैं तो हनुमान जी अब जीत घर तो कोई बोरी पहुंचाएगा नहीं और सारे काम कंप्लीट है, अब रोड लाइट पानी बिजली स्कूल शिक्षा कोई कमी नहीं है। बिजली हनुमान जी के राज में पहले फ्री चलती थी, आज भी फ्री चल रही है, हर गांव में जाओ फ्री चल रही है, बिल भी नहीं है लोगों के। लोगों ने ये भी कहा कि साहब 2023 के विधानसभा चुनावों के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर आचार संहिता थी और एक सरकार लोग बनाने जा रहे थे तो उस दौर के अंदर लोग अपना जो भी फैसला था वो दे सकते हैं, लेकिन इस बार एक सुनी चुनाई सरकार है तो कहीं ना कहीं सरकार अपना प्रेशर खींसर के अंदर यहाँ पे लगाएगी तो हनुमान बेनीवाल के लिए चुनौती खड़ी कर सकती है। 2019 का चुनाव आपने देखा, पूरी सरकार यहाँ बैठी थी, कांग्रेस की सरकार थी और हनुमान जी यहाँ जीत के गए थे नारायण जी, और इस बार भाजपा की सरकार गए कनिका जीत के जाएगी, वो छोड़ दो कुछ नहीं होना जाना, कुछ नहीं होना जाना, कनिका अच्छे वोटों से जीत। अच्छा आपसे और भी बात करेंगे, आपके क्या नाम है? नाराम यहीं के खींसर के रहने वाले, 15 किलोमीटर। अच्छा आमतौर पे यहाँ के जो लोग हैं खींसर पे जो लोग हैं उनकी यूपी आज भी लगता है खेती के निर्भर रहते हैं या फिर खेती का ही है। चलिए चुनावों की बात करें तो चुनाव आ गए, 13 तारीख वोट है और 10 महीने पहले मतदान क्या मानते हैं क्यों सर, क्या कुछ होने वाला है? बढ़िया है माहौल भी, बढ़िया है हनुमान जी यहाँ से निकलेंगे और बढ़िया माहौल है क्यों सर, काम विकास विकास सब बढ़िया हुआ है, कोई कमी नहीं थोड़ी काम के अंदर। काफी लोगों ने ये भी कहा रेवंत राम डांगा है पिछली बार 2000 वोटों से, इस बार कहीं ना कहीं रेवंत राम डांगा के साथ में पिछली बार नेताजी यहाँ नहीं थे, कहीं दूसरी ओर घूम रहे थे, उसी लिए उनको 2000 वोटों से वो डिफरेंट रहा, अब की बार यही है और कहीं जाना नहीं है, तो नेताजी अब की बार 20,000 प्लस से जीते, 20,000 प्लस से जीते, लेकिन रेवंत राम डांगा के साथ में पूरी सरकार है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सरकार हो कुछ भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे हम अभी आए सरकार भले ही हो, वोटर तो हनुमान जी का, हनुमान जी के रहेगा ना, सरकार से क्या मतलब, बोली कोई सी है उन्होंने क्या मतलब। अच्छा आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम दिनेश है। दिनेश क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी का ही करते हैं। थोड़ा नजदीक है जगह, खेती बाड़ी का करते हैं। भाई साहब ने कहा कि हनुमान बेनीवाल का जो विजय रथ है जो 2008 से खींसर के अंदर चलता आ रहा है वो रुकेगा नहीं, आप क्या सोचते हैं? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, चलता ही रहेगा रथ।
हमने अब उधर चौराहे पे अभी कुछ लोग बैठे थे उनके साथ में संवाद किया, तो उन्होंने कहा कि साहब हनुमान बेनीवाल बहुत अच्छा लड़का है, नेता है, लेकिन रेवतराम डांगा इस बार हारा हुआ व्यक्ति है और सरकार में मंत्री भी बन सकता है, तो इस बार रेवतराम डांगा काफी मजबूत लग रहे हैं। आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या माहौल? रेवतराम डांगा तो डोका बढ़ने मजबूत है। अच्छा, डोका बढ़ा मतलब ना मजबूत है, मूंग है, कोई हैंड मजबूत है, नाचण में मजबूत है रेवतराम डांगा, और कभी मजबूत बोली अनपढ़ आदमी है, अनपढ़ मेला तो कहे ठोक आई मैं तो बोले सारे बिरो अनपढ़ आदमी ने मेला तो कहे करा रेवत जी, अनपढ़ है, अनपढ़ आदमी आठवीं फेल है कहीं को नहीं, एमपी साहब पढ़िया लिखा आदमी है, हमारे दिल्ली तक भले काम हुए आज तक, मोदी रोई मैडम अनपढ़ है नहीं, मैडम हनुमान जी भी तेज है, कन्नी का है जी हनुमान जी फर्स्ट है, माने हम का देखना है कन्नी के दे ना 20 हूं जीता है 30 हूं करना पार कन्नी का जी, हां 30,000 हूं बोली चाली देखो बढ़िया, मैं तो पहली बार देखी हट फार्म भरना या क्यों सर देना आ देखो मेरा हनुमान जी इतने बड़े हो गए, उनकी फैमिली आज है ना नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, और नॉर्मल तरीके मंच पे आपने देखा कनिका जी एकदम नॉर्मल तरीके से, गांव की महिलाएं कैसी उस हिसाब से चल रही है, सारे वहां बढ़िया है एकदम। अच्छा, बीजेपी टोटल वीआईपी पार्टी है, भी मैं जाते रहते मानन मई कौन बन दे, मैं तो जमा संपला पैर पर साहब तो मई हुता मैं कहीं करवाना रेहूं जी, सीधा है सीधा ठोका कहीं पार्टी गलत ले ली, फिर मैं ठोका कहीं रेहूं जी भी पार्टी माने तो कमरा में मई बन दे कौन साहब तो मई हुता बढ़ता रहे माने का इम जमा देना कमरा में पगजा पेड़े जमा तो मई खुल्लो है। आखिर कारण की है कि हनुमान बेनीवाल के हमें चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करो या फिर तमाम पार्टियों का बड़ा बड़ा लोग भी आया है, मैं लाल ला का भी चुनाव पड़ गया है और देख क्या के कारण है कि हनुमान बेनीवाल का जगह समर्थक है जबकि फौज है वह कहीं ना कहीं हनुमान जी को साथ नहीं छोड़े, साहब किसी भी आप इमोशनली कुछ भी आप बहका हनुमान जी जनता वास्ते आधी रात तैयार रहा करें, चाहे दिन हो रात हो 2400 घंटा लोग तैयार रहते हैं, उसलिए उस जनता उनको चाहती है, मेन कारण ही वही है। ज्योति मिर्दा गयो के कहीं ना कहीं नारायण जी के हाथे थोड़ा धोखो हो गयो है आपकी की सोच बात तो ज्योति गेले ही करे की कोनो यो बात के जहर घूट भाई जहर घूट के मत पाई दियो, हां बात तो जनता रो फैसलो हो भाई, चाह इन दियो मात्र जो कनिक जान देनो है एने देनो है मैं देने दे जाऊं अब दे ई वा दियो और की। अच्छा, रिचपाल जी कमी खले हो चुनाव और मायने कोई कुछ नहीं होना, कोई रिचपाल जी होना, कोई दुर्गसिंह जी होना, कुछ नहीं होना, वो तो जनता कन वोट है, बहुत मत जनता कन है, प्रधानमंत्री आज भी मंत्री एक कमी खेले की रिचपाल जी यदि आज तो कन्नी का और ज्यादा वोट जीते, ये कमी है डांगा जी ले रहा है तो बहुत फायदा हुए, लेकिन रिचपाल जी तो भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है, पर वोट वो तोड़ी रोजिना गाया और रामा सामा करी भैंसे और रामा सामा करी बलकड़ी भिंता और रामा सामा करी जबकि आई बाने मतलब वोट तोड़ रही है दिनों दिन, जबकि आज को नेता थोड़ी चीज माना है थारे आरएलपी के जेता समर्थक थार ली तो फायदे की बात है ना। हां तो मैं तो को लाओ बीजेपी माने फायदे की चीज है, रेवंतपाल जी ने लाओ हटे बेगम बेगम ले रहो ताकि प्रचार करे भैंसे और रामा सामा करे, भैंसे अड्डी करी है क्यों सर भैंसे अड्डी के सोई सिंह चौधरी की बात करो तो एक चुनाव पहला लड़ रहा और हम क्या होंगे धर्मपत्नी ने मौका मिलो आप सोई सिंह ले और कांग्रेस की विचारधारा ले ना तेरे लोग कहीं बच्चों सोई सिंह जी बढ़िया आदमी है, डीएसटी उड़ा है बढ़िया मेहनत करी जाना, दूसरे नंबर आजी दूसरे नंबर सोई सिंह जी है। अच्छा, हाँ देख डांगा साहब तीसरे नंबर है, तीसरे नंबर जी डांगा साहब पहलगाड मोल नहीं है डांगा साहब, आपको नहीं कहे क्या डांगा साहब पहल के 2000 रहेगा वा आपने 13 तारीख रो मत उनता ही ठा पड़ जी के डांगा साहब रा वोट कितना यार कोई वोट कौन दे मारे सारा स्कूल पढ़ता के दो वोट दो यूं कर कर ले वोट थोड़ी अब के नहीं था अब के वोट खराब नहीं करे लोग कोई खराब नहीं करे कर दिया करिया जी का नहीं लाल 2023 का विधानसभा चुनाव की बात करो तो केड़ो मोटो कारण हो गया हनुमान बेनीवाल ने कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़े वास्तव में क्यों सिर्फ सीन मत मोटो कारण कहीं रहे हो संघर्ष तो करी गणा आई ही गणा का राजस्थान भी घूमे तो 2000 जीता इन मिलिया नहीं हनुमान जी गणा का हनुमान जी तब गया आया तो 30,000 बार बार चुनाव तो मैं लड़े हनुमान जी गणा काटे हनुमान जी तो माने बोला इन किया राजस्थान हम वाली हो गए तो मैं 2000 मत आएगा कमी मानू कमी रहेगी बोर्ड बोर्ड।